कक्षा सात सामाजिक विज्ञान, मैं आर एस प्रसाद सर आज आप लोगों को नागरिक शास्त्र का अध्याय पांच के छत्तीसगढ़ के छोटे एवं बड़े उद्योग के प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए इसमें क्या कुछ दिया हुआ। तो सबसे पहले ये थोड़ा बहुत जान लेते हैं इसके बारे में। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में धान की पैदावार काफी मात्रा में होती है, इसलिए इसे धान का कटोरा कहते हैं। पहले धान से चावल निकालने के लिए मूसल और ढेकी का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब धान कुटी और अलग अलग मशीनें लग गई। अपने राज्य में क्रोध, महासमुंद, तिलदा, नेवरा, नवापारा, राजिम, आरंग, भाटापारा आदि जगहों पर बड़ी संख्या में चावल मिले हैं। किसान अपना धान बेचने सरकारी समिति में आते हैं। सहकारी समितियों में सरकारी समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जाता है। सरकार द्वारा धान की खरीदी के लिए तय किए गए मूल्य को समर्थन मूल्य कहते हैं। यदि सहकारियां समितियां धान नहीं खरीदती तो किसान मंडी में अपना धान बेचते हैं, जहां उन्हें समर्थन मूल्य नहीं मिलता। कुछ किसान सीधे मिल मालिकों को धान बेच देते हैं। मिलों में मंडी के अलावा भारतीय खाद्य निगम FCI से भी धान कूटने के लिए आता है। धान को कुटाई के लिए मजदूर इसे एलिवेटर के मुख में सरकाते हैं, जहां छन्नी के द्वारा छान धान के कंकड़ कचरे अलग हो जाते हैं। दूसरे छन्नी में कंकड़, रेत व कण व मिट्टी आदि अलग हो जाते हैं। इस प्रकार धान तीसरे एलिवेटर में आगे पहुंचता है। तीसरे एलिवेटर में रबर के दो पहिए लगे होते हैं, जिनके बीच रगड़ के धान के छिलके निकल जाते हैं। सेपरेटर मशीन द्वारा चावल से छिलका भूसा अलग निकाल दिया जाता है। मशीन के चौथे भाग में धान को तीन समूहों में अलग किया जाता है। नंबर एक ठंडा, नंबर दो कनकी, नंबर तीन साबुत चावल। यही चावल में पॉलिश भी किया जाता है। चावल मिल यानी मशीन को चलाने के लिए एक ड्राइवर व एक हेल्पर होता है। मिलों में दो पालियों में काम होता है। FCI को चावल भेजा जाता है, जहां से अन्य राज्यों को चावल भेजा जाता है। राइस मिल चालू करने के लिए 10 से 15 लाख रुपए की आवश्यकता होती है। इसके लिए सरकार लोन देती है। राइस मिलों में एक घंटे में 2 टन 50 बोरा चावल कूटा जाता है। यदि यह मिल 24 घंटे चले तो 1200 बोरा चावल बनाया जा सकता है। चावल मिल में चावल दो तरीके का होता है, नंबर एक उष्णा, नंबर दो अरवा। उष्णा चावल उसन कर बनाया जाता है। उड़ीसा, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में उष्णा चावल की मांग अधिक रहती है। छत्तीसगढ़ में अन्य छोटे उद्योग जैसे आरा मिल, स्टील के बर्तन बनाने का कारखाना, लोहे का कारखाना जहां अलमारी, कुर्सी, पाइप, हथौड़ा, बाल्टी आदि बनाए जाते हैं शामिल है। बड़े कारखानों में प्रवेश के लिए परिचय पत्र पास बनवाना होता है। सभी कर्मचारियों का आने और जाने का समय मशीन द्वारा छपवाना पड़ता है। सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का कच्चा माल के रूप में उपयोग करते हैं। बड़े बड़े पत्थरों को आसानी से उठाने वाले मशीन को क्रेन कहते हैं। बड़े बड़े पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने वाली मशीन को क्रशर हॉपर कहा जाता है। मशीन के चालक को ऑपरेटर तथा उसके सहयोगी को हेल्पर कहते हैं। मशीनों की गड़बड़ी सुधारने वाला इंजीनियर कहलाता है। कारखाने के सभी मशीनें ऑटोमेटिक स्वचालित होती हैं और छोटे टुकड़ों को जिसे यू आकार के पट्टे द्वारा आगे बढ़ाया जाता है कन्वेयर बेल्ट कहते हैं। ये आपको चित्र दिखाया हुआ है, इसमें समिति में धान ले जाते हुए किसान दिखाई दे रहे हैं आपको। और दूसरा चित्र आपको ये कौन दिखाई दे रहा है, ये ढेकी चलाते हुए चावल धान से चावल अलग किया जाते हैं। ढेकी धान से चावल निकालने क्या चीजें है, ढेकी धान से चावल निकालने का एक उपकरण है। आज भी गांव में ढेकी से ही धान को कूट करके चावल से निकाला जाता है, चावल से निकाला जाता है। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं चित्रों को। थोड़ा सा ये एक और चित्र दिया हुआ जिसमें उष्णा मिल में धान को उबालते हुए दिखा रहे हैं। पूरे ऊपर में जो है धान को उबाला जा रहा है। ये एक और है उष्णा चावल मिल के पीछे से निकलता हुआ ये पानी है, गंदा पानी जो वहां पर प्रदूषण फैलाने का काम करता है। अब ये है सीमेंट बनाने की पूरी प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, खदान से कच्चा माल ले आते हैं और फिर यहाँ गिरा करके कन्वेयर के द्वारा जो है ये धीरे धीरे यहां से चलता हुआ यहां आ जाता है। और यहां पर क्या होता है, इसको पीस उस लेते हैं, यानी सीमेंट मिले ये सभी को पीस किया जाता है चित्र से। और फिर ये हॉपर यानी उन क्रशर है, इसके ऊपर से डाल दिया जाता है।
डालने के बाद जो है किलन मिट्टी बनती होती है, जिसमें कि खूब गर्म किया जाता है इसको अच्छी तरह से, बहुत उच्च ताप पर जो है इसको गर्म किया जाता है। जब ये बिल्कुल पाउडर बन जाता है तब इसको यहाँ सीमेंट की पोथी में जाते हैं, और यहाँ से फिर होता है यहाँ पर होता है जहाँ ये बोरियों में लग करके बाहर लोडिंग की तरफ चला जाता है। ये पैकिंग का एरिया होता है जहाँ पैक होता है बोरियों। चलिए आगे देखते हैं, ये खाली स्थान भरना है हमें पूर्ति के लिए। तो सबसे पहले ये बड़े बड़े पत्रों को दूसरे मशीनों में डालने का कार्य कौन करता है? क्रशर, क्रशर होपर करता है, के द्वारा होता है। और दूसरा है छोटे बड़े पत्रों को पीसने का कार्य कौन करता है? जा क्रशर करता है, जा क्रशर में होता है। और नंबर तीन है जहां पत्थर पाउडर को पकाया जाता है उसे किलन कहते हैं, ये बहुत अधिक टेम्परेचर होता है। केवल गलत वाक्यों को सुधार करके लिखते हैं। तो पहला नंबर है कि सभी कारखानों में मजदूर 4-5 घंटे से ज्यादा काम नहीं करते, तो ये आपका गलत है क्योंकि सभी कारखानों में मजदूर 8-8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करते। अगला है सीमेंट कारखाने का कच्चा माल दूसरे कारखानों से आता है, तो सीमेंट कारखाने का कच्चा माल दूसरे खदानों से आता है, कारखानों से नहीं आता। गाह है इसमें सीमेंट कारखानों में अब प्रदूषण की समस्या कम हो गई है, तो सीमेंट कारखानों में अब प्रदूषण की समस्या कम हुई है, इस तरह से आपको सेंटेंस सही करके रखना है। चलिए आगे देखते हैं, शिक्षक की सहायता से नक्शे में दिखाए गए छत्तीसगढ़ के अन्य स्टेट कारखानों की सूची बनाई है। ये सूची दी हुई है छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों में सीमेंट कारखाने के कारखाने हैं। नंबर एक जांजगीर गोपाल नगर, नंबर दो रायगढ़, नंबर तीन सरगुजा अंबिकापुर में, नंबर चार रायपुर यानी उर्ला बिरगांव माढ़ल रावण खान सोनाडी, नंबर पांच दुर्ग में भिलाई और नंबर छह बस्तर में जलकर। तो ये सारी चीजें जहां सीमेंट करते हैं। सीमेंट बनाने की प्रक्रिया को अपने शब्दों में लिखिए। चलिए देखते हैं, पहले लिखना चालू करते हैं। सीमेंट बनाने के लिए सबसे पहले निकट के खदानों से चूना पत्थर मंगाया जाता है, चूना पत्थर को क्रेन की सहायता से क्रॉप हॉपर में डाला जाता है जहां बड़े टुकड़ों को छोटा किया जाता है। जॉ क्रशर में इन टुकड़ों को और महीन किया जाता है, फिर कन्वेयर बेल्ट द्वारा इसे रॉ मिल में पहुंचाया जाता है जहां उसकी पिसाई की जाती है, तथा बड़े बड़े पंखे की सहायता से बड़ी बड़ी पोथी जैसी टंकियों में से जमा किया जाता है। टंकियों में इकट्ठा किए गए इन पाउडरों को धीरे धीरे भट्टी या निकलन में भेजा जाता है जहां इन पाउडरों को अधिक ताप में पकाया जाता है। भट्टी में चूना पत्थर को पकाने के बाद एक दूसरे कन्वेयर बेल्ट द्वारा उसे सीमेंट मिल में पहुंचाया जाता है जहां पर उसमें जिप्सम आदि मिलाकर के फिर से पीसा जाता है। अब सीमेंट तैयार हो गया है जहां यहां से उसे बोरियों में पैकिंग के लिए बड़ी बड़ी पोतियों में भरा जाता है। बोरियों में पैकिंग के पश्चात सीमेंट को ट्रकों व मालगाड़ियों द्वारा नियत स्थानों पर भेजा जाता है। दस्तकारों द्वारा घर पर उत्पादन करने और कारखाने में उत्पादन करने में क्या अंतर है? तो ये अंतर इसमें ये है, दस्तकारों द्वारा घर पर उत्पादन और ये कारखाने में उत्पादन। तो पहले नंबर एक इसमें कच्चा माल, इसमें कम कच्चे माल की आवश्यकता होती है, इसमें कच्चे माल की जो है आवश्यकता अधिक होती है, कच्चा माल भंडारण कर रखना पड़ता है। नंबर दो धन, दस्तकारों द्वारा घर में उत्पादन करने के लिए कम धन की आवश्यकता होती है, यहाँ या ऑर्डर के अनुसार धन की व्यवस्था करनी होती है। यहाँ क्या है, जबकि कारखाना स्थापित करने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और बैंकों से लोन लेना पड़ता है। बाजार की बात कर लेते हैं, दस्तकारों के लिए स्थानीय स्तर पर लगे बाजारों में ही खपत के साधन है, और यहाँ कारखानों से बने उत्पाद का विवरण स्थानीय बाजार देश तथा निर्यात दूसरे देशों के द्वारा भी किया जाता है। नंबर चार है श्रम, दस्तकार अपने परिवार के सहयोग से ही वस्तुएं बनाता है, और यहाँ क्या है, कारखानों में अधिक संख्या में सस्ते व कुशल मजदूरों की आवश्यकता होती है। अवधि है, घरों में कार्य के घंटे निर्धारित नहीं होते हैं जबकि कारखानों में काम 3 पालियों में अर्थात 8-8 घंटे के हिसाब से होता है। नंबर है छह प्रबंधन, घरेलू उत्पाद के लिए बड़े स्तर पर प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती है, कारखानों में उचित संचालन के लिए व्यापार स्तर पर कुशल प्रबंधन की आवश्यकता होती है, कुशल संचालन के लिए कंट्रोल रूम होता है। नंबर सात है मशीन, घरेलू उत्पाद के लिए बड़ी मशीन की आवश्यकता नहीं होती है, परंपरागत औजारों की मदद से ही कार्य पूर्ण कर लिए जाते हैं। यहाँ क्या है, कारखाने में बड़े स्तर पर उत्पादन किए जाते हैं अतः अत्याधुनिक मशीनों की आवश्यकता होती है। तो
प्रशिक्षण देख लो, घरेलू उत्पाद के रूप से प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। घर के सदस्य काम करते करते ही सभी सीख जाते हैं। और कारखाने के लिए विशेष प्रशिक्षण की अनिवार्यता होती है। छोटी सी भूल बड़े हादसे का कारण बन सकती है। परिवहन की बात कर लेते हैं। दस्तकारों का बाजार चूंकि स्थानीय होता है, अतः इन्हें अत्यधिक चिंता इस बात की नहीं करनी पड़ती। कारखानों से माल दूर भेजना होता है, अतः ट्रकों व रेलों की सुविधाओं का होना आवश्यक है। नंबर 10 जोखिम, चूंकि दस्तकारों को कम धन लगाना होता है, अतः उन्हें जोखिम कम उठाना पड़ता है। कारखानों में जोखिम अधिक होता है। बड़े कारखाने में काम बांट कर किया जाता है। क्या अपने सीमेंट कारखाने में यह बात देखी? जी हाँ, बड़े कारखानों में काम बांट कर किया जाता है। यह बात हमें सीमेंट कारखाने में देखिए। सभी कार्यों के लिए अलग अलग विभाग व अलग अलग कर्मचारी नियुक्ति है, यानी नियुक्त है। काम भी 3 पालियों में बटा हुआ है। सब 8-8 घंटे काम करके चले जाते हैं। अब आता है क्रशर हॉपर कैसे काम करता है, ये बताना है आपको। उत्तर है इसका, क्रशर हॉपर अंग्रेजी के वी आकार की मशीन है। इसकी एक दीवार स्थिर होती है और दूसरी दीवार आगे पीछे छलने की तरह चलती रहती है। इस तरह चलते हुए वह पत्रों को तोड़ते हुए आगे बढ़ती रहती है, जिसे जब क्रशर या जबड़ा क्रशर भी कहते हैं। जिस तरह हमारा ऊपरी जबड़ा स्थिर रहता है और नीचे का जबड़ा ऊपर नीचे होकर खाने को दांतों से चबाता है, फिर उसके बाद जीभ खाने को पेट के अंदर भेजती है, इसी तरह से जॉ क्रशर भी काम करता है। कारखाने में गर्मी के साथ धूल भी अधिक उड़ते हैं, क्यों? कारखाने में गर्मी किलन मशीन में जलने वाले कोयले के कारण रहती है। चूने के पत्थर को पाउडर बनाया जाता है और बड़े पंखे की मदद से कोठी में भरा जाता है। इस क्रम में पाउडर वातावरण में उड़ने लगता है। गर्मी और धूल में काम करने वाले मजदूरों व कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालता है। कारखाने से निकलने वाले धूल का क्या दुष्परिणाम होता है? उत्तर है इसका, कारखाने से निकलने वाला चूना पाउडर और धूल में सीमेंट मिला होता है। यह आसपास के जमीनों में उड़कर जमा होते रहते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्षीण हो जाती है और धीरे धीरे धरती बंजर हो जाती है। पेड़ पौधे पर इन धूलों का भयंकर बुरा प्रभाव पड़ता है। कारखाने में कितने तरह के लोग काम करते हैं, संक्षिप्त परिचय देना है आपको। तो नंबर उत्तर है, कारखानों में 3 तरह के लोग काम करते हैं। नंबर 1 प्रबंधक व इंजीनियर, ये कारखाने की इकाइयों का संचालन करते हैं तथा रख रखाव व खरीदी बिक्री की व्यवस्था भी करते हैं। उनका लक्ष्य होता है कारखाने में निरंतर उत्पादन व उनकी बिक्री को बनाए रखना। नंबर 2 है स्थायी मजदूर, ये अलग अलग मशीनों पर ऑपरेटर और हेल्पर के रूप में काम करते हैं। नंबर 3 है ठेकेदार, ठेकेदार के मजदूर रख रखाव आदि का काम करते हैं। स्थायी मजदूर व ठेकेदार के मजदूर में क्या अंतर है, तो अंतर इसको देख लीजिए जरा सही से समझिए। कानून के अनुसार स्थायी मजदूरों को कई सुविधाएं मिलनी चाहिए। वे सारी सुविधाएं जैसे छुट्टी, भविष्य निधि, पेंशन व मेडिकल आदि स्थायी मजदूरों को मिलती है, जबकि ठेकेदार के मजदूरों को ये सुविधाएं नहीं मिलती है। आजकल बड़े उद्योगों में ठेकेदार के माध्यम से काम करवाने की प्रथा प्रचलित हो गई है। वे मजदूर ठेकेदार के मजदूर बन जाते हैं, न कि कारखाने के, इसलिए उन्हें फैक्ट्री कानून के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाएं नहीं मिलती। कारखानों से होने वाले प्रदूषण की सूची बनाइए तथा इससे क्या प्रभाव पड़ता है बताइए। तो नंबर उत्तर है ये, कारखानों में से होने वाले प्रदूषण एवं उसके प्रभाव। नंबर 1 क्या है, उद्योगों से निकलने वाले जहरीली गैसों से वायु प्रदूषण होता है, जिससे कई तरह की बीमारियां फैलती है। नंबर 2 कारखानों में जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है, यही हाल रहा तो पृथ्वी में जीवन समाप्त हो जाएगा। नंबर 3 वायु प्रदूषण के कारण ओजोन की परतें पतली हो रही हैं, जिससे त्वचा संबंधी बीमारियां फैल रही हैं। नंबर 4 है कारखाना स्थापित करने के लिए वृक्षों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जिससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है और पर्यावरण प्रदूषण आज विश्व की सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। यदि पेड़ काटा गया तो ऑक्सीजन कम होनी शुरू हो जाएगी, जिससे व्यक्ति की मृत्यु होना शुरू हो जाएगी। नंबर 5
मशीनों के स्रोत से ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण कई शारीरिक व मानसिक रोग लग रहे हैं। नंबर 6 है, कारखानों की नालियों से निकलने वाले गंदे पानी से भी कई प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। नदियों का जल भी प्रदूषित होता है, जिससे कई प्रकार के चर्म रोग एवं आंत रोग भी लग रहे हैं। सबसे बड़ी मुश्किल पीने के लिए शुद्ध व स्वच्छ जल नहीं मिल पा रहा है। कारखानों के प्रदूषण को रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए? ये उत्तर है इसका। कारखानों के प्रदूषण को रोकने के लिए निम्न प्रयास किए जाने चाहिए। नंबर 1 क्या है, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करना चाहिए। नंबर 2 क्या है, कारखानों से निकलने वाले धुओं के लिए ऊंची चिमनियां लगानी चाहिए, जिससे धुआं ऊंचाई पर बाहर निकलने में सुविधा हो। शोर कम करने के लिए ध्वनि अवरोध मशीनें लगानी होंगी, ताकि ध्वनि प्रदूषण से बचाव हो सके। नंबर 4 है, कारखानों से निकलने वाले गंदे पदार्थों को नालियों में बहाने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। नंबर 5 है, कचरों को पुनः उत्पादक प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाए, तब ही इस प्रदूषण को रोका जा सकता है। क्रशर, आपका जॉ क्रशर, ऑटोमेटिक मशीन, रॉ मिल, कन्वेयर बेल्ट ऑपरेटर, किलन प्रदूषण प्रबंधन यूनियन आदि शब्दों का अपने अपने शिक्षक के साथ चर्चा की होगी। अब इन शब्दों को वाक्य बनाइए, प्रत्येक शब्द के लिए अलग अलग मौलिक वाक्य है। तो ये पहले ले रहे हैं हम, क्रशर हॉपर, वह क्रेन जो बड़े बड़े पत्थरों को आसानी से उठाकर एक दूसरे मशीन में डाल रही है, इस दूसरे मशीन को क्रशर हॉपर कहा जाता है। इस मशीन से पत्थर के बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और यह मशीन बी आकार की होती है। जॉ क्रशर, क्रशर हॉपर की एक दीवार स्थिर रहती है और दूसरी दीवार आगे पीछे चलने की तरह चलती रहती है। इस तरह चलते हुए वह पत्थरों को तोड़ते हुए आगे बढ़ती है, इससे जॉ क्रशर या जबड़ा क्रशर भी कहते हैं। ऑटोमेटिक मशीन, वे मशीनें जो स्वयं कार्य करती हैं, स्वचालित अथवा ऑटोमेटिक मशीन कहलाती है। रॉ मिल, चूना पत्थर के टुकड़े कन्वेयर बेल्ट के द्वारा रॉ मिल में भेजे जाते हैं। रॉ मिल में लंबे मोटे ड्रमनुमा पाइप के अंदर लोहे के बड़े बड़े गोले भरे होते हैं। इस ड्रमनुमा पाइप को काफी तेजी से घुमाया जाता है, जिससे इसके अंदर पहुंचने वाले पत्थरों के टुकड़े पिस जाते हैं। इन पिसे हुए पाउडरों को एक बड़े पंखे की सहायता से बड़ी कोठी में जमा किया जाता है। कन्वेयर बेल्ट, यह मोटे चौड़े और कठोर अंग्रेजी के यू आकार का पट्टा यानी बेल्ट होता है। इसका काम कारखानों में कच्चा माल एवं मशीन में से एक दूसरे मशीन तक या एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का होता है। ऑपरेटर क्या होता है, मशीन को संचालित करने वाला व्यक्ति ऑपरेटर कहलाता है। किलन, टंकियों में इकट्ठा किए गए पाउडर को वहां से धीरे धीरे एक भट्टी में भेजा जाता है। इस भट्टी को किलन कहा जाता है। यह किलन 64 मीटर लंबे एक भट्टी है। इसमें एक ओर से पाउडर आता है तथा दूसरी ओर से जलते हुए कोयले की लौ भेजी जाती है। इस तरह इसमें काफी अधिक तापमान पर चूना पत्थर को पकाया जाता है। किरण को जल्दी ठंडा नहीं होने दिया जाता है, क्योंकि एक बार ठंडा होने पर इसे गर्म करने के लिए कई दिन लग जाते हैं। इसलिए कारखानों में 2 किलन की व्यवस्था की जाती है, जिससे कारखाने का काम बंद न हो। किलन के इस महत्वपूर्ण काम के कारण ही इसे मैनेजमेंट कारखाने का हृदय कहा जाता है। प्रदूषण, कोई कारक जब हानिकारक तत्वों की उपस्थिति के कारण स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो जाता है, तो उसे प्रदूषण कहते हैं। जैसे हवा में धूल और विभिन्न विषैली गैसों का मौजूदगी के कारण यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाती है, जिसे वायु प्रदूषण कहते हैं। प्रबंधन, देखिए क्या है, किसी संस्थान की प्रगति के लिए समुचित योजना को क्रियान्वित करने वाली टीम को प्रबंधन या मैनेजमेंट कहा जाता है। यूनियन, एक ही व्यवसाय से जुड़े लोग वर्ग हित के लिए समूह या संघ का निर्माण गठन करते हैं, जिसे यूनियन कहते हैं। मजदूर यूनियन, छात्र यूनियन, किसान यूनियन आदि ये इसके एग्जांपल हैं। वाक्य प्रयोग करना, नंबर 1 पर
क्रशर हॉपर का उपयोग मिट्टी खदानों में किया जाता है। नंबर दो है, जहां क्रशर के जबड़े हमारे जबड़े की तरह ही कार्य करते हैं। नंबर तीन है, आजकल ऑटोमेटिक बढ़िया बाजार में जगह जगह हर जगह मिलती है। नंबर चार है, रॉ मिल में पत्थर की पिसाई के कारण उड़ने वाले धूल से वायु प्रदूषण और भू प्रदूषण दोनों होता है। कन्वेयर बेल्ट की तरह ही उड़न खटोला में पहाड़ों में आदिम आदमी यात्रियों को लाया और ले जाया जाता है। नंबर छह है, इस ग्रुप का ऑपरेटर कहाँ गया। नंबर सात है, किलन का उपयोग लोहा इस्पात कारखाने में भी होता है। नंबर आठ है, उचित प्रबंधन ही विकास का पर्याय है। और नंबर नौ है, आजकल बिना यूनियन के दबाव नहीं बनता है। यदि कोई अपना चावल मिल साल भर चलाना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। चावल मिल साल भर चलाने के लिए पहली आवश्यकता है कि धान की सतत आपूर्ति एवं भंडारण की व्यवस्था। मिल में धान की कमी ना हो इसलिए मिल मालिक को कृषि मंडी और FCI से लगातार संपर्क बनाए रखना होगा। साथ ही फुटकर विक्रेताओं और प्रत्यक्षता किसानों से संपर्क की आवश्यकता होती है, क्योंकि मिल को 24 घंटे चलाने के लिए लगभग 1200 बोरा धान की आवश्यकता होती है। इसके अलावा मजदूरों की उचित व्यवस्था और दुरुस्त प्रबंधन की नितांत आवश्यकता है। किसान अपना धान कहाँ बेचना पसंद करते हैं और क्यों। किसान अपना धान सरकारी समिति में बेचना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ सरकार द्वारा तय समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जाती है, किसी प्रकार के मुनाफाखोरी नहीं की जाती। FCI मिल से प्राप्त चावल को कहाँ कहाँ बेचती है। उत्तर है इसका, FCI द्वारा जितना धान कटोरा यानी कारखानों में भेजा जाता है, मिलों द्वारा उससे चावल बना करके वापस भेज दिया जाता है। सरकार प्राप्त चावल का भंडारण रखती है और समय समय पर अलग अलग कामों के लिए, जैसे राशन दुकानों को काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए, स्कूलों में दोपहर भोजन के लिए भेजती है। छत्तीसगढ़ में FCI के गोदाम से अन्य राज्यों को भी चावल भेजा जाता है। ये लेसन यही समाप्त हो रहा है बच्चों। नीचे आपको लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा होगा, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे कि ये वीडियो आप लोगों का कैसा लग रहा है और मैं क्या सुधार करके दे दूं और कौन सा पार्ट भेजना है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आदित्य प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।